रिवर्स में हमको अनुभव नहीं है कुछ अभी तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम राहुल, कम बैक। गाइस कैसे हैं आप सब? गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। सो गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, वहाँ पे भी जाके विजिट कर लीजिए, और मेरा FB पे भी पेज बना हुआ है राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से। सो गाइस मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत एक्साइटेड, उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम और कहां से आए हैं और क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राम सुंदर है। और कहां से आए हैं आप? फैजाबाद से। फैजाबाद से, कौन सा डेज है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? थर्ड डे है। तो क्या आपके फैजाबाद में ड्राइविंग स्कूल नहीं है? जी है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपने क्यों नहीं सीखा? सर आप अच्छा सिखाते हैं इसलिए हमने आपके पास आए। ओके, सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है सर। तो आपने यहाँ पे रूम ले रखा है, रूम में कोई दिक्कत आई आपको रहने में, खाने पीने में किसी चीज़ की कोई दिक्कत आई? नहीं सर, नहीं आई। सो गाइस इन्होंने सारी फैसिलिटी इनको मिल रही है रहने खाने पीने की जो भी है, और आज इनको थर्ड डे है, तो आज मैं इनको सिखाने वाला हूँ रिवर्स करना, पार्किंग करना, क्योंकि ड्राइविंग में ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिवर्स और पार्किंग। सीधा सीधा चलाना तो हमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ज़बरदस्त सात चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अभी आपने सीट बेल्ट लगा लिया, सीट साइड एडजस्ट कर लिया, साइड मिरर चेक कर लिया है, प्रॉपर दिख रहा है, इसमें लुकिंग ग्लास इसमें दिख रहा है जी सर। अब इंजन ऑन करो क्लच दबा के, राइट वाला पैर हमेशा ब्रेक पे रहना चाहिए जब भी गाड़ी स्टार्ट करो। बस इंजन ऑन हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। देखो स्टीयरिंग अभी सीधा है, ठीक है, पहले स्टीयरिंग को समझना है हमें। जैसे कि अगर आपको जाना है चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, अगर गाड़ी को आपको राइट में ले जाना बैक में, ठीक है, तो अभी आपको जैसे गाड़ी ले जानी राइट में बैक में, तो आप राइट काट दो पूरी स्टीयरिंग, खड़ी गाड़ी फुल काट दो। हाँ कट गई, अब ये पूरी स्टीयरिंग लॉक हो गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ये फुल स्टीयरिंग कट गई, ठीक है। अब आपका जो टायर है पूरा राइट साइड घूम गया, वापस इसको सीधी करो, एक और ये दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से लेफ्ट साइड काटो, एक राउंड दो राउंड सर, कट गई जी सर। अब फिर वापस सीधी करो, गुड, समझ में आया? चाहे फ्रंट में चलाना हो चाहे बैक में चलाना हो, ये पोर्शन हमेशा मैच करना है, इससे आपको पता चलता है आपका स्टीयरिंग एकदम सीधा है, ठीक है। अभी आप इसको फर्स्ट गियर में करो, फर्स्ट गियर में करके थोड़ा सा आगे बढ़ाओ गाड़ी को, हाफ क्लच में, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे या एक्सीलेटर पे रहेगा, नीचे आप मैट पे उसको नहीं रखोगे। मैट पे रखने का मतलब ये है कि आपको ब्रेक का अंदाज़ा नहीं है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। फर्स्ट गियर में जब गाड़ी को चलाते सिर्फ हाफ क्लच में गाड़ी चलाते, पूरा फुल क्लच नहीं रिलीज़ करना होता है। सर पहले गाड़ी वाइब्रेट होने दो, अभी और हल्का क्लच छोड़ो, बस अब हल्का एक्सीलेटर लो, पहले रेस लो, क्लच मत छोड़ो। आपने क्लच छोड़ दिया, आपको यहाँ क्या करना था, क्लच नहीं छोड़ना था, पहले थोड़ा रेस लेके बाकी क्लच बाद में छोड़ते हैं। अच्छा, अभी इंजन ऑन करो, वापस क्लच दबा, हाँ उतने पे क्लच को होल्ड रखना है, जब वाइब्रेट करे उसी पे रोक दे, रेस ले ले, हल्का रेस लेके फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना। चलो स्टार्ट करो वापस, इंजन जब थर्राने लगे मतलब वाइब्रेट करने लगे समझ लो गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई है, बस हल्का रेस लो, क्लच मत छोड़ो, हल्का रेस लो, अब धीरे से थोड़ा सा क्लच छोड़ो 1%, बस गुड, वापस क्लच दबा के ब्रेक मारो, गुड, पूरा क्लच दबा के ब्रेक मारा। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि गाड़ी कैसे रोकी जाती है, तो अभी आपने क्या करा, देखो इंजन ऑन है, गाड़ी गियर में भी है और गाड़ी रुक गई है, क्योंकि आपने पहले क्या दबाया, क्लच, उसके बाद ब्रेक। तो क्लच दबाने का मतलब ये, फुल क्लच दबाने का मतलब है जो गियर और इंजन का कनेक्शन था वो डिसकनेक्ट हो गया, गाड़ी गियर में एक्टिव है जी सर, ठीक है, लेकिन वहां से इंजन से इसका कनेक्शन हट चुका है जी। जब तक आप क्लच को रिलीज नहीं करोगे तब तक गियर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी गाड़ी हमको फुल रोकनी होती तो पहले पूरा क्लच देन ब्रेक, ठीक है। किसी भी गियर में कार को आप रोक सकते हो, चाहे वो थर्ड हो चाहे फोर्थ हो चाहे बैक हो। अब वापस इसको बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर कंपलसरी है जी। अभी ऑलरेडी गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में है, अगर ये थर्ड में या फोर्थ में होती तो आप सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डालते फिर बढ़ाते। अभी सेम चीज़ वही आपको करना, अभी ब्रेक छोड़ना है, पैर ब्रेक पे रहना चाहिए आपका। अब हाफ क्लच छोड़ो, जैसे गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी वैसे वाइब्रेट करने लगे, बस हल्का एक्सीलेटर लेना, गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी।
अब हल्का एक्सीलेटर लो, क्लच इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है, बस अब वापस फिर रोको पूरा क्लच और ब्रेक, गुड। ये था रोकने का तरीका, ठीक है सर? यही तो मालूम करना सब, यही। और आगे जाओ थोड़ा, वही सेम चीज, हाफ क्लच पे फर्स्ट गियर में हमको पूरा क्लच नहीं छोड़ना होता, पूरा क्लच तब छोड़ना है जब हमको सेकंड गियर की तैयारी करनी है या सेकंड गियर के लिए हमको गाड़ी को रेडी करना है, तब हमको फुल क्लच छोड़ना, नहीं तो हाफ क्लच में रोकना बढ़ाना, हाँ स्टॉप, पूरा क्लच और ब्रेक, गुड। आया समझ में? अब आपको सपोज करो ये गाड़ी काटनी है पूरी लेफ्ट रिवर्स में, तो पूरा लेफ्ट काटो, स्टीयरिंग फुल काटो, फुल काटने सर, कट गई। अब इसको करो बैक गियर में, पहले न्यूट्रल करो वहीं पे, हाँ अब पूरा राइट ले जाओ इसको, पूरा राइट, हाँ अब पीछे खींचो, नहीं लगा, पहले न्यूट्रल करो हल्का सा ऊपर, ज़्यादा कर दिया, हाँ राइट ले जाओ, पूरा राइट, हाँ अब पीछे खींचो, अब लगा बैक गियर। अब देखो चारों इंडिकेटर, पार्किंग लाइट जल गई, बैक गियर पड़ चुका है। अब इस मिरर पे देखो लेफ्ट वाले, अब जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एकदम जीरो की स्पीड में, जैसे फर्स्ट में बढ़ा रहे थे, फुल कटी ना लेफ्ट, जाने दो अभी, फुल लेफ्ट कटी गाड़ी जाएगी पूरी आपकी लेफ्ट, जाने दो पीछे, हल्का सा, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, बस जाने दो, पूरी फुल लेफ्ट काटी है। अब देखो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, जाने दो, जाने दो, जाने दो, गुड 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 गुड, जाने दो धीरे धीरे, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, और जाओ हल्का रेस लो, हल्का सा, हल्का रेस लो, डरो मत, हाँ जाने दो, बस अब सीधी करो, अब पहिया और सीधा करो एक राउंड और, हाँ ये हो गई सीधी। अब गाड़ी आपको यहाँ बैक में ले जानी है, तो अब थोड़ा सा और पीछे जाओ, हल्का राइट काटो, हल्का सा राइट, हाँ कन्फ्यूज मत हो, जाने दो और बस रोको पूरा क्लच और ब्रेक। अब ये पहिया हो गया आपका सीधा, अब बगल में जो कार खड़ी हुई उस कार से और आपकी कार के बीच में कम से कम 5 फीट की दूरी है राइट साइड वाले मिरर में, देखो। अब इसको आपको ले जाना है इधर राइट, तो इसको पहले गियर में करो, अब ज़्यादा आगे बढ़ा देते हो, तीसरा गियर लग चुका है, हल्के हाथों से किया करो, हाँ चलो अभी, अब जाओ राइट जाना है हम लोग को, चलो बढ़ाओ जाओ, हल्का रेस लेके जाओ, घबराओ मत, डरो मत, आप फुर्ती रखो एकदम, जितना जाने दो, राइट काटो, हाँ राइट और काटो, बस जाने दो, अभी सीधी करो गाड़ी और सीधी करो, बस हल्का राइट रखो बस। अब आपको ये कार इस दोनों गाड़ी के बीच में लगाना है, दो कारें खड़ी हैं, एक रेड कलर की जेन खड़ी, एक ये टेम्पो खड़ा है, खड़ा है, इन दोनों के बीच में आपको उसको लगाना है, ठीक है? तो कैसे लगाओगे? पहले राइट काटो स्टीयरिंग, हाँ फुल काटो राइट, फुल कट गई। आप कौन सा गियर डालोगे? बैक गियर, एकदम हल्के से उठाना, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब राइट वाले मिरर पे चेक करो इसको, जाओ हल्का सा रेस के साथ जाओ, हल्का रेस लो, कटी रहे तो उसे उधर देखो ना शीशे में, जब गाड़ी पीछे जा रही, जाने दो धीरे धीरे और जाओ और बस रोको। अब स्टीयरिंग पहले सीधा करो, गुड, अब सीधी हो गई। अब जाओ पीछे दोनों मिरर में चेक करो, लेफ्ट वाले में और राइट वाले में दो, चलो जाओ धीरे धीरे, हल्का राइट काट के, थोड़ा सा राइट, हल्का सा राइट काटो और राइट काटो थोड़ा और, बस अब सीधी रखो गाड़ी, सीधी बस एकदम पहिया सीधा, जाने दो, गुड और जाने दो, स्टॉप। अब दोनों गाड़ी के बीच में आ गया, इधर ये जेन खड़ी है, इधर ये कार खड़ी है, लग गई जी। लग गई ना, कोई दिक्कत? अब इसको न्यूट्रल करके पहले गियर में करो, चलो जाओ बढ़ाओ धीरे से, जाने दो धीरे धीरे। अब आपको ये जो राइट रखो बताता हूँ, अब रिवर्स में इसका पूरा राउंड करना है, रुको बताता हूँ, आगे जाओ थोड़ा और, हाँ थोड़ा और आगे, हाँ फ्रंट में एक बार चलाओ फिर बताता हूँ, इसका राउंड करो, लेफ्ट काटो, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ क्लच ब्रेक छोड़ दो, बस हल्का राइट रखो, इसका राउंड राइट रखो थोड़ा राइट, इसका गोला मारना है पूरा, जीरो बनाना है, समझ रहे हो? पूरा, हाँ रेस नहीं लेना सर, बगैर रेस के चलेगी, वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ आपको, एक्सीलेटर की हर जगह ज़रूरत नहीं होती है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ एक्सीलेटर की नीड ही नहीं होती है, समझ गए? बहुत आशा लेकर आया सर आपके पास। आप टेंशन ना लो, आप जिस जगह आए हो ना, बस अब यही चीज़ आप सीधी करो, गाड़ी सीधी करो, बस अब रोको यहाँ पे, अब यही चीज़ आपको करना है बैक में, इसको न्यूट्रल करो बताता हूँ, बेल्ट खोल लो, अब ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूँ ताकि पीछे का आपको पूरा क्लियर दिखे और टेढ़े हो जाओ, ठीक? अब बैक गियर डालो,
पूरा क्लच दबा के, हाँ, खींच के लग गया। चलो अब पीछे एकदम सीधा, नजर वहां रखो, टेढ़े क्यों फिर वैसे ही, मैंने जैसे बोला है आपको पीछे का पूरा क्लियर दिखे। चलो जाओ अब धीरे धीरे जाने दो, जैसे बोला है सर वैसे जे गोला, कम से कम 5-6 गोले मारने हैं ऐसे ही। जाओ हल्का रेस लो, हल्का सा बस, अब रेस की जरूरत नहीं, गाड़ी एक बार उठ गई, अब इधर काटोगे ना गोला, लेफ्ट को, हाँ, अब नजर पीछे रखो, जैसे मैं टेढ़ा बैठा हूँ ऐसे तुम भी टेढ़े बैठो। जाने दो, नजर वहीं रहनी चाहिए, दिमाग स्टीयरिंग पे रहना चाहिए। अब राइट काटो हल्का, और राइट बस, अब धीरे धीरे लेफ्ट काटो। अब देखो तुम देख ही नहीं पा रहे हो वहाँ पे, जैसे मैं सो देख, डिग्गी के पीछे का नहीं दिखता है, डिग्गी से 10 मीटर दूर का दिखता है। अच्छा, तो 10 मीटर दूर देख के आप जजमेंट लोगे ना, आप सोचो कि मुझे नेम प्लेट दिखे तो वो नहीं दिखेगी। हल्का राइट रखो बस, हाँ, अब धीरे धीरे लेफ्ट काटो, स्टीयरिंग में कंफ्यूज मत हो, लेफ्ट आपका ठीक है, हल्का राइट रखो, जाने दो, और राइट थोड़ा बस, जाने दो, गुड 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 गुड, हल्का राइट रखो, लेफ्ट आओ लेफ्ट, समझ में आ रहा है। अब एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो हटा लो एक्सीलेटर से पैर, बिना एक्सीलेटर चलेगी। हाँ हल्का राइट रखो, हाँ हल्का राइट, और राइट थोड़ा बस, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, नज़र जितना दूर रखोगे दूर का दिखेगा, समझ में आ जाएगा। आप सोचोगे डिग्गी तो यहाँ से मत देखो, पीछे से देखो। अच्छा सर, हाँ यहाँ से देखोगे तो साइड दिखेगा, पीछे से देखोगे तो क्लियर दिखेगा एकदम। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टीयरिंग कितना किधर काटना है, कितना सीधा करना है, समझ गए। अभी जैसे आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेफ्ट काटने की जगह राइट काट रहे थे, राइट की जगह लेफ्ट, अब ये क्लियर हो गया ना कि लेफ्ट काट रहे हो तो गाड़ी लेफ्ट ही जा रही है, राइट काटोगे तो राइट जाएगी, लेफ्ट काटेंगे तो लेफ्ट जाना है। हाँ राइट, जैसे फ्रंट में काटते हो राइट जाना तो राइट काटोगे, लेफ्ट जाओगे तो लेफ्ट काटोगे, एकदम कूल होके टेंशन फ्री, हल्का लेफ्ट आओ लेफ्ट, हाँ जाने दो, हल्का राइट रखो, राइट राइट और राइट, हाँ ज़्यादा इस बार राइट दबा दिया तुमने, गाड़ी थोड़ा आगे निकल गई। रिवर्स गियर में एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती, पूरा क्लच छोड़ दो अपने आप गाड़ी, क्लच और ब्रेक पे लेफ्ट आओ, क्लच और ब्रेक पे पैर रखो, अपने आप धीरे धीरे वो चलती रहेगी। थोड़ा दूर अभी आपकी नज़र नहीं सही जा पा रही, जैसे जानी चाहिए ना, जितना दूर देखोगे उतना अच्छा दिखेगा। अच्छा, आप जितना दूर देखोगे उतना अच्छा देख पाओगे, जितना पास देखोगे उतनी दिक्कत आएगी। उनको बैक पे देखना सर, हाँ तो बैक से पूरा क्लियर दिखेगा ना, जब बैक शीशे से देखोगे तो चारों तरफ का अंदाज़ा हो जाएगा, साइडों से साइड दिखेगा। हल्का लेफ्ट ही रखो मेरी तरफ, हाँ क्योंकि उधर थोड़ा झाड़ी है, हाँ गुड, हल्का राइट रखो, गुड, और राइट थोड़ा, हाँ लेफ्ट आओ, गुड राइट रखो हल्का, राइट, हाँ लेफ्ट आओ, राइट रखो हल्का, हाँ लेफ्ट आओ। एक लड़का चेन्नई से आया था सर आपके पास, हाँ वो सीख के गया, अभी सीधी करो गाड़ी, आप पीछे देखो, पीछे सीधी करो स्टीयरिंग, हाँ और सीधी करो बस, ये सीधी हो गई, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा सर, हाँ अब रोको पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, गुड, अभी यही चीज़ हमसे पूछ रहे थे ना कैसे रोकी जाएगी, अब इसको न्यूट्रल करो गियर को हल्का सा ऊपर, हाँ बस हो गया, अब क्लच ब्रेक छोड़ दो, छोड़ दिया, अब गाड़ी को रोक रोक के बढ़ाना है, रोकना फिर बढ़ाना फिर रोकना, जिसे जाम में चलाते, पूरा क्लच दबाओ पहले गियर में, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, गियर डालो थोड़ा सा बढ़ाओ 1 मीटर फिर रोक लो, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं, झटके छोड़ दिया क्लच, यही गलती नहीं होनी चाहिए सर, क्लच दबा के स्टार्ट करो, यही जो गलती अभी करे हो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्लच का ही तो सारा गेम है, फिर गलती झटके। अभी मैंने वहाँ क्या सिखाया था जब गाड़ी बढ़वाई थी, कितना बोला था क्लच छोड़ने के लिए, थोड़ा थोड़ा, तो आप अभी कितना क्लच छोड़ रहे हो, ज़्यादा छूट जा रहा है, फिर क्यों छूट जा रहा है, अपनी एड़ी को नीचे रोक के रखो, एड़ी को नीचे सपोर्ट दे के रखो ना तो नहीं छूटेगा, अगर एड़ी सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर झटके से छूटेगी गाड़ी, हाँ ये वेरी गुड, फिर रोको स्टॉप, हाँ ऐसे
कम से कम 10 बार रोकना और बढ़ाना है, 10 बार कम से कम। और गाड़ी एड़ी हमेशा नीचे सपोर्ट दे के रखो, कभी भी गाड़ी बंद नहीं होगी। फिर झटके छोड़ा, अंगूठे से पैंडल इस्तेमाल करना है, अगर ऊपर वाला ज्यादा पोर्शन हाँ तो फिर बंद हो जाएगी बार बार। अंगूठे रखे सर, बस एड़ी नीचे थोड़ा उठ जाती है ना, नहीं उठनी चाहिए ना। अब यहाँ पे ब्रेक दबा रखा था तुमने, इसलिए गाड़ी बंद। दबाया नहीं सर, ब्रेक दबा था पैर का, नहीं वो रुई पे पैर रखने वाली बात होती है, समझ रहे हो। अच्छा, पैर का इतना वेट है कि आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि आपने दबाया नहीं दबाया, वही तो गलती हो रही है। ये ऐसे फिर रोको, फिर रोको सर। मैंने क्या कहा था, वहां से यहाँ तक 10 बार में आप तो 3 ही बार रोक पाए, आप भागे जा रहे हो। अरे जब जाम में गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती, वो चीज करनी है। हाँ स्टॉप, 2 कदम फिर रोको, अभी बैक गियर में करो, बैक गियर डालो, यही चीज बैक में करना है। असल में ये पैर चाटा पड़ जाएगा, बता दे रहा हूँ जी सर, चाटा पड़ जाएगा। ये पैर बार बार नीचे क्यों उतर रहा है, इस पे रखे रहे? हाँ, ये पैर नीचे नहीं जाना चाहिए। जब आपको एक्सेलेटर और ब्रेक की जरूरत है तो पैर नीचे क्यों जा रहा है, जाना चाहिए। नहीं सर, जैसे आप बताए दब जाता है ना ब्रेक, इसलिए हम नीचे कर, आदत बनानी है। वो पैर हमेशा उसी पे रहता है, ब्रेक और एक्सेलेटर पे ही रहता है। अच्छा, समझ रहे हैं। वो पैर या तो एक्सेलेटर पे रहेगा या ब्रेक पे रहेगा। लेफ्ट वाले पैर को आप क्लच से हटा सकते हो जब क्लच का काम खत्म हो जाए। अच्छा। लेकिन जो राइट वाला पैर है वो हमेशा ब्रेक पे या एक्सेलेटर पे रहेगा, उसको आप नीचे नहीं रख सकते हो मेट पे। नहीं सर, अभी आप बोले ना कि रखे रहे तो दब जाता है, वो आदत बन, उसको सही करो ना। ऐसे अगर नहीं, अगर दब रहा है तो उसको सही करो। एक्सेलेटर वाला राइट वाले पैर को आप फ्री नहीं कर सकते हो, या तो आप हाईवे पे चल रहे हो तो एक्सेलेटर पे रहेगा, ट्रैफिक में चला रहे हो तो ब्रेक पे रहेगा। बार बार उसको नीचे रखने की कोशिश करोगे तो आदत गलत पड़ जाएगी, समझ गए। अब बैक गियर डालो, लग गया जी। हल्का सा रेस लेना, देखो झटके छोड़ दिया, फिर क्लच वापस स्टार्ट करो। जैसे हम किसी चीज को छू के टच फील करते हैं, पेंडलों का ऐसे फील आना चाहिए। हल्का सा रेस लेना, हल्का सा रेस, क्योंकि गाड़ी गड्ढे में है, थोड़ा कच्चा रास्ता है ना, हल्का रेस लो, जाओ। क्लच छोड़ोगे तभी तो गाड़ी गियर में एक्टिव होगी। देखो दोनों चीज का मैचिंग, रेस लो हल्का, थोड़ा और रेस लो हल्का, बस हाँ बस बस, रोको पूरा क्लच और ब्रेक। हाँ वही सेम चीज, फिर ब्रेक छोड़ो, छोड़ दिया। पैर नहीं हटाना है, ब्रेक छोड़ने का मतलब ये जो आपने दबाया था उसको छोड़ो, पैर मत हटाओ, हटाया ना उसी पे रखे। हाँ अब क्लच छोड़ो हाफ, और नजर कहाँ है आपकी, और कहाँ रहनी चाहिए, गाड़ी बैक जा रही तो नजर कहाँ रहनी चाहिए, कौन से शीशे पे, ये मेन शीशा है। अच्छा, मेन, आप या तो गर्दन घुमा के पीछे देखो या फिर इसमें देखो, समझ गए जी सर। चलो जाओ, रेस लें थोड़ा थोड़ा, वापस एक्सेलेटर ले लो। आपका क्लच वाला जो फंडा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट करो जी सर। क्लच बराबर नहीं, क्लच झटके से छोड़ रहे हो, जैसे बाइक में छोड़ते हो वैसे इसमें भी है, झटके छोड़ोगे बाइक उछल जाएगी। चलो जाओ, हल्का रेस ले लो, ऐसे रेस की जरूरत नहीं होती है, बस रोके स्टॉप, गुड, फिर बढ़ाओ, जाने दो धीरे धीरे, इंजन बंद नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे, गुड गुड, जाने दो, फिर स्टॉप, गुड। अब मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा तुमको पीछे और जाना, नजरों का सारा खेल है, जरा सा दाएं बाएं गाड़ी ना जाए। अभी गाड़ी थोड़ी 1 मीटर पीछे ले जाना, फिर न्यूट्रल करके पहला गियर करना, वहां तक ले जाना, यही 10 बार आगे पीछे करना है तुमको, ठीक है, समझ रहे हो। यहां से लेके यहां तक पीछे जाओ, आगे जाओ, पहला गियर बैक गियर, पहला गियर बैक गियर, यही करना है, ठीक है। डरना जरा सा भी नहीं है, नहीं सर, समझ गए, घबराने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, आपने देखा मैं उतर गया हूँ फाइनली, थोड़ा घबरा रहा है, डर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। और अभी मैंने गाड़ी दे दी है, झटके से फिर बंद कर दी, इन्होंने क्लच को झटके से छोड़ा इसलिए गाड़ी बंद हो गई। और गुड, स्टूडेंट को मैं अकेले गाड़ी इसलिए दे देता हूँ ताकि उसके अंदर जो डर है वो थोड़ा सा निकल जाए, ताकि वो अच्छे से चला पाए और उसको खुद को बिलीव हो जाए कि हाँ वो कर सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं फाइनली, मैंने क्योंकि रोकना और बढ़ाना, क्योंकि क्लच का ही मेन होता है, क्लच सेट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है।
और अभी इसके पैर सेट नहीं हैं, जिसकी वजह से एक्सेलेटर ज़्यादा लेने लगता है। क्लच का और एक्सेलेटर का जो मैचिंग होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी जर्किंग होने लगती है और गाड़ी बंद हो जाती है झटके मार के। एक्सेलेटर ये ज़्यादा ले रहा है, क्लच को रिलीज़ नहीं कर रहा है। अगर क्लच प्रॉपर छोड़ेगा तो शायद इतना एक्सेलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे 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 सेट हो जाएगा। क्लच एक्सेलेटर तभी पुश करना चाहिए जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।